हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो है 12 वोल्ट की बैटरी, जो कि बिना बीएमएस के होगी। दोस्तों, मैंने 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर काफ़ी वीडियो बनाए हैं, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे पिछले कई दिनों से कि भाई बिना बीएमएस के बना के दिखाओ आप बैटरी। तो मैं उसी लिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मैं अनाउंसमेंट कर दूँ कि दोस्तों, ये मेरे पास लैपटॉप की यूज्ड बैटरी है, जो कि मैंने 50 रुपये में परचेज की। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में इस पर लिंक छोड़ दिया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और मैं इस बैटरी का गिव अवे करने वाला हूं दोस्तों। ऐसी 10 बैटरियों का मैं गिव अवे करूंगा, 5 विनर मैं अनाउंस करूंगा, उनको 2-2 बैटरियाँ मैं कोरियर करवाऊँगा। और जो गिव अवे की दोस्तों जो कंडीशन होगी वो 5000 लाइक होगी। इस वीडियो पर जिस दिन 5000 लाइक कम्प्लीट हो जाएंगे उसके अगले दिन मैं विनर अनाउंस कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं कमेंट से ही चूज़ करूंगा। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा 6 लिथियम बैटरी। तो लिथियम बैटरी आपको कहाँ से परचेज करनी है उसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है, उसका लिंक भी मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो मैं 6 बैटरियाँ ले रहा हूँ यहाँ पे, और आपको मैं ये बैटरियाँ चार्ज करके भी दिखाऊंगा कैसे आपको चार्ज करना है और कैसे पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों पावर बैंक किट है 30,000 mAh का, और मेरे पास 2-3 मेल आए हुए हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों अभी इस अवेलेबल नहीं है ये बेंगुड पे, और अमेजोन पे भी नहीं है, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं है, और जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। ये मेरे को 400 रुपये के आसपास पड़ा था, और अभी जो है वो काफ़ी महंगे हैं, 800 से 1000 रुपए के ले रहे हैं। तो आपको उसकी जब भी लिंक अवेलेबल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको मोबाइल चार्जिंग से कनेक्ट कर देता हूँ। ये 94% दिखा रहा है, आप थोड़ी देर के लिए लगाएंगे इसको 95%, मतलब आधे घंटे तक लगाएंगे। तो मैंने आधे घंटा हो चुका है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। इसका पावर मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है, 95% ये हो चुका। अभी सभी बैटरियों को निकाल के मैं आपको इसका वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ कि कितना वोल्टेज ये चार्ज हो चुका है। तो हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं एक एक सारी बैटरियों को आपको दिखाऊँगा। ये लगभग दोस्तों 4.2 के आसपास ही जाएगा, क्योंकि ये बैटरी लगभग फुल चार्ज है। तो अभी बहुत से भाइयों ने पूछा कि आप सोल्डरिंग कैसे करते हो, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ऐसे वायर को आपको छीलना है, फिर इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर की कोटिंग करनी है। वो कोटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो पे बने रहें। आपको पूरा वीडियो दिखाऊँगा दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप, 3-4 स्टेप में पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। ये देखिए कोटिंग कैसे करनी है आपको, वो देख लीजिए। अब सोल्डरिंग की वायर के ऊपर कोटिंग कर दें तो आप सोल्डरिंग आसानी से और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, और बहुत इजी हो जाता है दोस्तों ये करना। ये देखिए 1 टैप के अंदर आपका सोल्डरिंग हो जाता है, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको, ये अभी हमने पॉजिटिव सिरा किया है, अभी हम नेगेटिव सिरा करेंगे। प्रोसेस लगभग सेम रहेगी दोस्तों, आपको 2 सेल और जो 6 सेल हैं दोस्तों उसका 3-3 का पेयर बनाना है हमें, और जो तीनों पेयर है यानी कि 2 सेल हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करनी है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक पेयर हम आपको बना के दिखा रहा हूँ, और बाकी 3 पेयर मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए ऐसे आपको 3 पेयर बनाने हैं इसके, 2-2 6 सेल हैं टोटल अपने पास। अब इनको सीरीज में लगाने हैं, सीरीज में कैसे लगाने हैं वो देख लीजिए आप। ये दूसरा स्टेप है दोस्तों, तो पहला जो है वो पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा। अब तीसरा, ये करने के बाद वायर कनेक्ट हो गया, वायर कनेक्ट करने के बाद उसके पॉजिटिव सिरा अब नेगेटिव में जाएगा, और फिर हमारा 2 नेगेटिव और पॉजिटिव 2 वायर निकल आएंगे। तो आगे की मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब मैंने बैटरी को पलट लिया है, तो ये पॉजिटिव सिरा है, अब ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा स्टेप था दोस्तों, ये 3-4 स्टेप में पूरी बैटरी बनके कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवा देता हूँ।
ये फुल्ली चार्ज है दोस्तों, तो 12.7 के आसपास ये दिखा रहा है, लगभग इतना ही होता है ये। तो काफ़ी पावरफुल बैटरी है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हुए थे। अब मैं इसको पैक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हुए थे। अभी मैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव वायर निकाल लेता हूँ। नेगेटिव के लिए मैं ब्लैक वायर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव के लिए मैं रेड वायर यूज़ करूँगा। तो वो भी मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आया था कि दोस्तों बिना BMS के आपके बैटरी बना के दिखाइए, तो यहाँ पे मैं 63 mm का डेड लॉक ले रहा हूँ, दो इसी में हम बैटरी पैक बनाएंगे। तो यहाँ पे दो मैं फीमेल ऑडियो पोर्ट ले रहा हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव आउटपुट के लिए। तो इसको कनेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अपना फीमेल ऑडियो पोर्ट है वो कनेक्ट हो चुका है, रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है। अब मैं इसको बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर फीमेल पोर्ट के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, आपके काफ़ी कमेंट और मेल आए हुए हैं कि भाई बिना BMS के बना के दिखाओ। थोड़ा सा दोस्तों डेंजर रहता है ये, क्योंकि अगर आप ओवर चार्ज करेंगे तो बैटरी फट सकती है। तो और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आप, मैंने बैटरी चार्जर भी बनाया हुआ है, कैसे उसको चार्ज करना है वो भी आपको दिखाई, मैं आपको लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने ग्लूगन की हेल्प से इसको चिपका दिया है। अब एक छोटा सा हम कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर चिपका देंगे, ताकि अपना वायर अगर बाई चांस हट भी जाए तो इसमें शॉर्ट ना हो जाए। तो बहुत चीप प्राइस में बन जाती है दोस्तों, 60 से 70 रुपये में पूरी बैटरी कंप्लीट हो जाएगी। तो 10 रुपये का एक सेल, 60 रुपये सेल के हो गए, 5-5 रुपये के ऑडियो पोर्ट हो गए, 70 रुपये और 10-10 रुपये का ये इसमें डेड लॉक हो गए। तो 70 से 80 रुपये में ये कंप्लीट बन के तैयार हो जाती है। आप चाहें तो PVC या MDF बोर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको, बैटरी अपना कंप्लीट है तो मैं आपको वोल्टेज चेक करवा के दिखा देता हूँ। वही सेम आएगा दोस्तों, 12.7 के आसपास। बहुत अच्छी बैटरी है दोस्तों, आप चाहें तो घर पे आसानी से और बहुत ही चीप प्राइस में बना सकते हैं। और दोस्तों, मैंने जो बैटरी का गिव अवे किया है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक ज़रूर करें। 12 वोल्ट की 100 RPM वाली DC गियर मोटर ले रहा हूँ, तो वो आपको मैं चला के दिखा देता हूँ। इससे बहुत अच्छे से वर्क कर रही है दोस्तों। अभी उल्टा चला के दिखा देता हूँ, रिवर्स एंड फॉरवर्ड दोनों में आपको मैंने कंडीशन में दिखा दिया। ये दोस्तों, मैंने एक मल्टीमीटर और बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाया था, जो आपके वोल्टेज मेजर करने के लिए बनाया था। तो ये देखिए, ये बैटरी फुल चार्ज दिखा रहा है, क्योंकि इसकी सारी लाइटें जल रही है। अब मैं वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। देखिए, 12.67 जैसा आपको दिखा रहा है, तो बहुत अच्छा है दोस्तों। ये भी, इसके अभी मैंने गिव अवे अनाउंस किया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।